तो हाल महत्वना समाचार मळी रह्या छे। झालोद में थयेला हत्याकांड ने लईने हाल अगत्यनी माहिती प्राप्त थई रही छे। महत्वना समाचार सामे आवी रह्या छे। झालोद में थयेला हत्याकांड नो मामलो के जेमा अगाउ हिरेन पटेल ने हत्या करवामां आवी हती तेने लईने महत्वना समाचार छे। झालोद नगरपालिकाना भाजप काउंसिलर हता हिरेन पटेल, तेरे हत्या केस नो भेद उकेलवा माटे गृहमंत्री ए खास सूचनाओ आपी छे। तेमज एटीएस ना डीजीआई हिमांशु शुक्ला दाहोद दौड़ी गया छे, जेने पगले अमदावाद क्राइम ब्रांच ना जेसीपी पण पहोंच्या छे। आ साथे ज क्राइम ब्रांच ना जॉइंट सीपी छे अमित विश्वकर्मा। एटीएस अने क्राइम ब्रांच नी टीमो हाल कामे लागी चुकी छे हत्या नो भेद उकेलवा माटे। साथे ज हवे जोगानो जोग एक पण सामे आवी रह्यो छे के गृह राज्यमंत्री हाल दाहोद ना प्रवासे छे। हत्यानो भेद उकेलवा माटे नी खास तैयारीओ सूचनाओ आपी देवामां आवी छे। झालोदमां हत्यानो मामलो सामे आव्यो हतो, जेमां नगरपालिकाना भाजप काउंसिलर हिरेन पटेलनी हत्या करवामां आवी हती। अंगे वधु माहिती आपवा माटे संवाददाता कामेक्ष आपणी साथे जोडाई चुक्या छे। जी कामेक्ष, हाल हत्यानो भेद उकेलवा माटे कही देवामां आव्यु छे, सूचनाओ आपी देवामां आवी छे, शुं छे आ समग्र मामलो ने वधु विगतो हाल शुं मळी रही छे? बिल्कुल बिनल, अपने जणावी दऊं के झालोद नगरपालिकाना भाजपना काउंसिलर हिरेन पटेलनी अगाउ थोड़ा समय पहला हत्या करवामां आवी हती ने आ हत्याकांडने लईने अत्यारे हवे सघन तपासना आदेश अपाया छे। महत्वनी वात ए सामे आवी रही छे के आ हत्या केसनो भेद उकेलवा माटे राज्य गृहमंत्रीए सूचना आपी छे। अगाउ थोड़ाक समय पहला ज झालोद नगरपालिकाना भाजप काउंसिलर हिरेन पटेलनी हत्या थई हती ने राजकीय अदावतमां हत्या थई होय एवा एवी पण एक शक्यता व्यक्त करवामां आवी हती ने तेने लईने तपासनो धमधमाट यथावत छे। अत्यारे जे हालमां राज्य गृहमंत्रीए जे सूचना आपी छे अने तेने लईने अत्यारनी जो वात करवामां आवे तो एटीएसना डीआईजी हिमांशु शुक्ला पण दाहोद दौड़ी गया छे। अमदावाद क्राइम ब्रांचना जेसीपी जे छे तेओ पण हाल अत्यारे दाहोद पहोंच्या छे। અને મહત્વની વાત પણ છે કે એટીએસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ અત્યારે કામે લાગી ગઈ છે, હત્યાનો ભેદ ઉકેલાય તેવી પણ પૂરેપૂરી શક્યતા છે। અને મહત્વની વાત એ છે કે અત્યારે જ્યારે પણ આ તપાસના આદેશ રાજ્ય ગૃહમંત્રી દ્વારા અપાયા છે ત્યારે જોગાનો જોગ ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા છે તેઓ પણ અત્યારે દાહોદના જ પ્રવાસે છે, એટલે ચોક્કસથી કહી શકાશે કે વહેલામ વહેલી તકે આ હત્યાનો ભેદ ઉકેલાય તેવી શક્યતા છે। જી જી કામેક્ષ, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આભાર।